गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज मैं चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर और उसका एक्सरसाइज बना रही हूँ। चैप्टर नेम है केयरिंग फॉर अदर्स। ये क्लास 3 की बुक है, लिविंग प्लैनेट। चैप्टर 4, केयरिंग फॉर अदर्स। टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, पीपल हु कैन नॉट सी आर कॉल्ड। जो लोग देख नहीं सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ब्लाइंड कहा जाता है। BLIND, ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब क्या होता है? अंधा होता है, जो देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर टिक आउट होगा, जो सही है इन तीनों में से उसी पर टिक आउट करना है, निशान लगाना है। डेफ मतलब होता है बहरा। डेफ मतलब क्या होता है? बहरा। और डम मतलब होता है गूंगा। तो जो लोग देख नहीं सकते हैं उन्हें क्या कहेंगे? ब्लाइंड कहेंगे। हु लिव्स इन एन ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम में रहते हैं कौन? रहते हैं ओल्ड पीपुल, यंग पीपुल, चिल्ड्रेन। ओल्ड पीपुल बूढ़े लोग रहते हैं, वृद्धाश्रम में बूढ़े लोग रहते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स। वी शुड स्पेंड टाइम विथ ओल्ड पीपुल। हम लोगों को बूढ़े लोगों के साथ समय स्पेंड करना चाहिए। तो यहाँ पर ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू होगा। ब्लाइंड पीपल कैन रीड विद द हेल्प ऑफ द ब्रेल स्क्रिप्ट। यस ट्रू, ब्लाइंड पीपल जो है वो ब्रेल स्क्रिप्ट की सहायता से पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़ सकते हैं, इसलिए ट्रू यहाँ पे होगा, ट्रू, TRUE, ट्रू। 3 में है, द ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड बाई हेलन कीलर। नो, फॉल्स होगा यहाँ पर, क्योंकि ब्रेल स्क्रिप्ट जो है लुइस ब्रेल ने इन्वेंट किया था, आविष्कार किया। इट वॉज इन्वेंटेड बाई लुइस ब्रेल। तो इस तरह से यानी कि फर्स्ट में ट्रू, सेकंड में ट्रू, थर्ड में फॉल्स होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ से सही वर्ड को चुनकर यहाँ भरना है। 1 में है, रीमा डिस्ट्रीब्यूटेड डैश टू ओल्ड पीपल। रीमा ने ओल्ड पीपल में क्या बांटा? स्वीट्स यानी मिठाइयाँ बांटी, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? स्वीट्स होगा। उसके बाद है 2 में, डैश इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग विद रेज्ड लेटर्स ऑन अ शीट। क्या होगा? ब्रेल होगा यहाँ पर। ब्रेल जो है एक ऐसा लिखने का फॉर्म है जिससे लेटर जो है शीट पर उभरा रहता है, जिसे ब्लाइंड पीपल जो है, अंधे जो लोग हैं, वो आसानी से पढ़ सकते हैं। रेज्ड मतलब होता है उभरा हुआ। 3 में है, लुइस ब्रेल इन्वेंटेड इन द ब्रेल स्क्रिप्ट। लुइस ब्रेल ने क्या इन्वेंट किया था? ब्रेल स्क्रिप्ट, इसलिए 3 में क्या होगा? ब्रेल स्क्रिप्ट होगा। ये इसका क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने कॉपी में बनाया है। यहाँ पर बोल रहा है, द ब्रेल स्क्रिप्ट इज शोन बिलो, राइट योर नेम इन द ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट में यानी कि यहाँ पर ब्रेल स्क्रिप्ट दिया हुआ है और इसी से अपना नाम लिखना है। चैप्टर 4, केयरिंग फॉर अदर्स, आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड रीमा एंड हर ग्रैंडफादर गो। द आंसर इज, रीमा एंड हर ग्रैंडफादर वेंट टू एन ओल्ड एज होम। रीमा और उसके ग्रैंडफादर कहाँ गए थे? ओल्ड एज होम में गए थे, यानी कि वृद्धाश्रम में गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एन ओल्ड एज होम? ओल्ड एज होम क्या है? वृद्धाश्रम क्या है? द आंसर इज, एन ओल्ड एज इज अ प्लेस वेयर ओल्ड पीपल हु हैव नो वन टू लुक आफ्टर देम लीव। ओल्ड एज होम क्या है? वृद्धाश्रम क्या है? वृद्धाश्रम वो जगह है जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं, जहाँ ओल्ड पीपल रहते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू ब्लाइंड पीपल रीड। ब्लाइंड पीपल जो हैं, जो लोग देख नहीं सकते हैं, वो कैसे पढ़ सकते हैं? द आंसर इज, ब्लाइंड पीपल रीड विद द हेल्प ऑफ द ब्रेल स्क्रिप्ट। जो ब्लाइंड पीपल रहते हैं, जो अंधे लोग रहते हैं, वो ब्रेल स्क्रिप्ट की सहायता से, उसकी मदद से पढ़ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ब्रेल स्क्रिप्ट ना उभरा हुआ रहता है, रेज्ड रहता है, जो भी लेटर्स रहते हैं उस पर उभरे हुए रहते हैं, उसी की सहायता से ब्लाइंड पीपल जो है उसे पढ़ सकते हैं। वर्ड मीनिंग, ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट बांटना, ब्लेसिंग आशीर्वाद। ब्रेल स्क्रिप्ट ब्रेल लिपि, रेज उठाना या उभारना। ब्लाइंड अंधा, रीच्ड पहुंच गया। इन्वेंशन आविष्कार, सरप्राइज आश्चर्य। पीपल लोग।